बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का जो डिफिनीशन है, एफ आर यहाँ पे मौजूद है, तो अगर एक्स टू की वैल्यू एक्स वन से बड़ा हो तो इफ़ आप एक्स टू की वैल्यू भी इफ़ आप एक्स वन से बड़ा होगा। एक्स वन एक्स टू इनपुट्स है, ये वैल्यू आप एक्स एक्सिस पर वैल्यूज़ है। इफ़ आप एक्स टू और इफ़ आप एक्स वन ये आउटपुट है, ये हमारे पास वैल्यू आप इफ़ आप एक्स है। इस एक्स वन के लिए फंक्शन की वैल्यू इफ़ आप एक्स वन है, एक्स टू के लिए फंक्शन की वैल्यू इफ़ आप एक्स टू है। इसी तरह ए के लिए फंक्शन की वैल्यू इफ़ आप ए है, बी के लिए फंक्शन की वैल्यू इफ़ आप बी है। तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही हो तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और इस तरह ये ऊपर जा रहा है, ये हाइट बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये हाइट, इसी हाइट को आप देख ले, वैल्यू ऑफ इफ आप एक्स, वैल्यू ऑफ इफ आप एक्स, वैल्यू ऑफ इफ आप एक्स, ऑल दीज वैल्यू ऑफ इफ आप एक्स आर इंक्रीजिंग पार करिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द इनपुट ए एक्स वन एक्स टू एंड बी, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये जो कर्व है फंक्शन का, ये जो कर्व है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेज, वैल्यू ऑफ वाई आर डिक्रीजिंग, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड अ डिक्रीजिंग फंक्शन। हेयर वैल्यू ऑफ एक्स टू, दिस इज एक्स टू विच इज़ ग्रेटर देन एक्स वन, बट इफ आप एक्स टू इज लेस देन इफ आप एक्स वन, दिस सच टाइप ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ लुक टू द डिफिनीशन, हेयर वी हैव इफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, दीज आर इनपुट्स, सो एंड देन इफ आप एक्स टू इज लेस देन इफ आप एक्स वन, दीज आर आउटपुट्स। इफ दिस कंडीशन होल्ड्स देन इफ आप एक्स इज आर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन है, इफ वी इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्स देन वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेज, सच अ फंक्शन विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन तो दो स्लाइड में हमने पढ़ा, अब यहाँ दोबारा हम इसको पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, अ फंक्शन इफ आप एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन द वाई वैल्यू इंक्रीजेज एज द एक्स वैल्यू इंक्रीजेज। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही हो तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ग्राफ में यहाँ पे x1 है और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये जो हाइट है, ये इफ आप x1 है। इसी तरह ये x2 है, इस x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू है। और ग्राफ में यहाँ भी ये वैल्यू हमें नज़र आ रही है, ये वैल्यू फ्राम हेयर अप टू हेयर, दिस इज इफ आप एक्स वन, फ्राम दिस ऑरिजन अप टू दिस पॉइंट इट इज इफ आप एक्स टू। सो इफ वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ वाई आल्सो इंक्रीजेज, सच अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे जो प्लस नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही हो और फंक्शन की वैल्यू भी, वाई की वैल्यू भी बढ़ रही हो तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। वैल्यू ऑफ वाई यहाँ देखे, वैल्यू ऑफ वाई एक्स वन के लिए यही है और ये वैल्यू ऑफ वाई है एक्स टू के लिए। तो जब अगर एक्स टू की वैल्यू बढ़ रही हो तो वैल्यू ऑफ वाई भी बढ़ रही है, इस तरह ये मज़ीद बढ़ती जा रही, तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इट इज़ ईजी टू सी दैट वाई इज इक्वल टू इफ आप एक्स टेंस टू गो अप एज इट गोज अलोंग। मतलब ये है कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, द कर्व गोज अप, यहाँ पे ये जो कर्व है गोज अप हो तो ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहाँ पे ये जो प्लस है, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है
तो इसी तरह y की वैल्यू भी बढ़ रही है, ये वैल्यू के आप y है जो यहाँ पे बढ़ रही है, इस तरह यहाँ भी ये बढ़ेगी। तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब ये जो डिफिनीशन है यहाँ पे, पार अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, देन एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, देन सच अ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, समटाइम्स वी कॉल इट स्टडीली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने पहले ये जो फर्स्ट स्लाइड था उसमें हमने लिखा था एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, देन एफ ऑफ एक्स टू विल आल्सो बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन। तो वो डिफिनीशन और ये डिफिनीशन इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इक्विलिटी मौजूद है, जिसका मतलब है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्टडीली इंक्रीजिंग, तो दोनों डिफिनीशन इक्विवेलेंट है। एफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, देन एफ ऑफ एक्स वन विल बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो अगर ये कंडीशन किसी फंक्शन के लिए होल्ड करता हो तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कहते हैं, और अगर एक्स वन लेस देन एक्स टू हो सच देट इफ आप एक्स वन इज लेस देन इफ आप एक्स टू, देन सच अ फंक्शन इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दोनों डिफिनीशन बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, और इंक्रीजिंग या स्टडीली इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पे इक्वलिटी है। तो फर्स्ट लाइट की डिफिनीशन और यही डिफिनीशन सेम टू सेम है, लेकिन इसको हमने उसको हमने लिखा था एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन एम्प्लाइज इफ आप एक्स टू ग्रेटर देन इफ आप एक्स वन, तो दोनों का मतलब एक ही है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनीशन है स्टडीली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कर्व जो है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब अगर इस कर्व को हम देखें, इट गोज अप, ये इस तरह बढ़ता जा रहा है, इट दिस कर्व गोज अप। तो इस जैसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, जिसका ग्राफ इस तरह वो ऊपर जा रहा हो। दिस इज आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन इवन दो द रेट ऑफ इंक्रीज रिड्यूसेस, रेट ऑफ इंक्रीज रिड्यूसेस का मतलब कि ये इस तरह बढ़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लैट होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का कर्व है। अब यहाँ पे इसी स्लाइड में यहाँ पे ये जो लाइनिंग है, ये यहाँ पे इंटरवल है, ये इंटरवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ एन इंटरवल। और इसी इंटरवल में अगर हम देखें तो यहाँ से ये कर्व शुरू है, तो यहाँ से ये इंक्रीज इंक्रीजिंग है, इस तरह ये इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ से देखिए इंटरवल में इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, दी कर्व गोज अप। यहाँ पे ये हमारा जो पोजीशन है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये कर्व जो है ये ऊपर जा रहा है, तो इसी इंटरवल में ये जो कर्व है ये बढ़ ऊपर जा रहा है, तो ये फंक्शन इसी इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, इसी को पढ़े, द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फॉर द इंटरवल शोन, इट मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एल्सवेयर। इसी इंटरवल के दरमियान में ये जो कर्व है ये इस तरह ये इट गोज अप, तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी इंटरवल के अलावा बाकी जगहों पे फंक्शन कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी। इसी पॉइंट से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस तरह इसकी वैल्यू ऑफ एक्स जब हम इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे देखें वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीज हो रही है। इसी तरह ये जो वैल्यू ऑफ एक्स है और ये जो हाइट है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, और इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग
यहाँ पे डिक्रीजिंग और यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग पर द इंटरवल शोन, इट मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एल्सवेयर। तो अभी मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन, इसी स्लाइड में डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में वजाहत है। द वाई वैल्यू डिक्रीजेज एज द एक्स वैल्यू इंक्रीजेज। डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसके बरअक्स इंक्रीजिंग फंक्शन में एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और ये फंक्शन ऊपर जाता है। अब इसी कर्व में, इसी स्लाइड में जो ग्राफ है, ये ग्राफ इट गोज़ डाउन, दिस कर्व गोज़ डाउन, इस तरह ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्लस है इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन वैल्यू ऑफ वाई नहीं बढ़ रही बल्कि डिक्रीज हो रही है। एक्स वन के लिए ये जो हाइट है, दिस हाइट इज पर एक्स वन, दिस इज एफ ऑफ एक्स वन। इस एक्स टू के लिए फंक्शन की वैल्यू यही है, दिस इज एफ ऑफ एक्स टू। तो मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू, तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये माइनस साइन नज़र आ गया है कि एफ ऑफ एक्स वन इज, एफ ऑफ एक्स वन इज डिक्रीजिंग एंड एफ ऑफ एक्स टू, यानी एक्स वन के लिए फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है और एक्स टू के लिए फंक्शन की वैल्यू कम है। हालांकि एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और ये जो डिफिनीशन है, व्हेन एक्स वन इज लेस देन एक्स टू देन इफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर इक्वल टू इफ ऑफ एक्स टू, अगर ये कंडीशन होल्ड करता हो तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग या स्टडीली डिक्रीजिंग कहते हैं, और अगर इक्वलिटी ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। दोनों डिफिनीशन सेम टू सेम है लेकिन ऊपर वाले डिफिनीशन में इक्वलिटी है स्टडीली डिक्रीजिंग के लिए और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही हो और वाई की वैल्यू घट रही हो तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाई कम हो रही है तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो ग्राफ से हमें बहुत क्लियरली पता चलते हैं कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ आप एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स पर एक्स इन द इंटरवल माइनस वन टू, माइनस वन टू, यहाँ पे ये माइनस वन है और यहाँ पे ये टू है, दिस इज माइनस वन दिस इज टू। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन रीजन हमें नज़र आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे ये जो इंटरवल है माइनस वन से लेकर दो तक, ये एक इंटरवल है और इसी इंटरवल के अंदर ये जो कर्व है मुख्तलिफ इसकी पोजीशन नज़र आ रही है, इसी इंटरवल के अंदर कर्व की पोजीशन हमें नज़र आ रही है। तो माइनस वन अगर हम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ले तो वैल्यू कर्व जो है इट गोज़ डाउन, माइनस वन यहाँ पे ये जो वैल्यू ऑफ वाई है डिक्रीज हो रही है, इस तरह ये डिक्रीज हो रही है, यहाँ तक ये घटती कम हो रही है और यहाँ से फिर ये इस तरह वे हाइट इट गेन्स हाइट, हेयर इट लूजेज हाइट एंड फ्रॉम हेयर इट गेन्स हाइट। तो व्हेन इट लूजेज हाइट इन दिस केस द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग एंड व्हेन द कर्व गेन्स हाइट देन द कर्व फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। तो अब इसी बात को हमने पढ़ना है। एग्जाम्पल, इफ आप एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस फोर एक्स पार एक्स इन द इंटरवल माइनस वन टू, लेट अस प्लॉट इट इंक्लूडिंग द इंटरवल माइनस वन टू। ये जो फंक्शन है इसको प्लॉट किया गया है और ये जो इंटरवल है इसको लाइट ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहा है और इसी इंटरवल के अंदर भी कर्व हमें नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस वन, ये जो माइनस वन है, यहाँ पे जो माइनस वन है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस वन
द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल माइनस वन, इंटरवल का बिगिनिंग है एट एक्स, दैट इज एट एक्स इक्वल टू माइनस वन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यहाँ ये जो माइनस वन है फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का जो कर्व है इट लूजेज हाइट, तो ये इसकी वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीज हो रही है। एट एक्स इक्वल माइनस वन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इट कंटिन्यूज टू डिक्रीज अनटिल अबाउट 1.2। यहाँ तक अभी यहाँ देखे ये एक्स इक्वल माइनस वन है और ये इसी माइनस वन के लिए इसकी जो हाइट है इट लूजेज हाइट, और इस तरह ये यहाँ तक तकरीबन यहाँ ये 1.2 तक इट लूजेज हाइट, तो फंक्शन इसी रीजन में डिक्रीज हो रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीज हो रही है, इट लूजेज हाइट, तो इसी रीजन में फंक्शन डिक्रीजिंग है। इट कंटिन्यूज टू डिक्रीज अनटिल अबाउट 1.2 एंड देन इंक्रीज फ्राम देयर पास्ट एक्स इक्वल टू 2। अब यहाँ जो 1.2 है इसके बाद ये कर्व जो है इट गेन्स हाइट, दैट इज इट वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीजेज, व्हेन एक्स इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीजेज, तो 1.2 से आगे 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे माइनस वन से लेकर 1.2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है और 1.2 से लेकर 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। विदाउट एग्जैक्ट एनालिसिस वी कैन नॉट पिन पॉइंट वेयर द कर्व टर्न्स फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, सो लेट अस जस्ट से विद इन द इंटरवल माइनस वन टू, ये जो इंटरवल है द कर्व डिक्रीजेज इन द इंटरवल माइनस वन फ्रॉम माइनस वन अप टू अप्रॉक्सीमेटली 1.2। ये जो माइनस वन के लिए जो वैल्यू ऑफ वाई है यहाँ से लेकर यहाँ जो 1.2 है, तो इसी रीजन में ये जो कर्व है ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है उसका ये कर्व है। द कर्व इंक्रीज इन द इंटरवल, अब यहाँ जो 1.2 तक डिक्रीज हो रहा था तो अब 1.2 से आगे 2 तक ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीजेज, दैट इज़ इट गेन्स हाइट। तो इसी एग्जांपल में हमारे पास जो इंटरवल था, तो इंटरवल के एक खास स्टार्टिंग पॉइंट माइनस वन से लेकर 1.2 तक फंक्शन का जो कर्व था उसकी पोजीशन ऐसी थी कि ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा था और 1.2 से लेकर 2 तक फंक्शन की वैल्यू कर इट वाज गेनिंग हाइट, दैट इज़ द फंक्शन इन द इंटरवल 1.2 अप टू 2 वाज इंक्रीजिंग। तो ये जो इंटरवल है यहाँ पे इसी को 2 इंटरवल में बांटा गया है, तो ऊपर वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग है और नीचे वाले में ये इंक्रीजिंग है। तो इतना मेरे ख्याल में आप लोगों को कुछ समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर कोई हमसे पूछे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन इज दैट फंक्शन विच हैव सेम वैल्यू ऑफ वाई पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज पर डिफरेंट इनपुट्स वी हैव सेम आउटपुट। एक्स की अगर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हम ले तो वैल्यू ऑफ वाई अगर सेम हो तो ऐसे फंक्शन हो हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले तो ये बात हमें याद रखना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। यहाँ पे ये जो एक्स वन है, अब ये जो सी है, ये जो फंक्शन कर्व हमें नज़र आ रहा है, इफ़ आप एक्स इज इक्वल टू सी या वाई इज इक्वल टू सी इसको हम कहते हैं, तो अगर सी पॉजिटिव हो तो ये ऑरिजन से ऊपर सी यूनिट के फासले पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और इफ सी इज नेगेटिव देन फ्रॉम ओ डाउनवर्ड इट विल बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर सी पॉजिटिव हो तो सी यूनिट के फासले पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, अगर सी नेगेटिव हो तो सी यूनिट के फासले पर ये नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और यहाँ पे एक्स वन एक्स टू डिफरेंट वैल्यूज है, लेकिन वैल्यू ऑफ वाई या वैल्यू ऑफ इफ आप एक्स सेम है
अगर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स हो और सेम वैल्यू ऑफ वाई हो तो ऐसे फंक्शन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये लाइन जो है इसका जो फंक्शन है ये ना इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। दिस कांस्टेंट फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे ये जो चंद अल्फाज है इंक्लिनेशन, यहाँ पे एक लाइन हमने खींचा है, इसी को अभी अभी मैंने इस पर एक तकरीबन काफ़ी टाइम लगाया, इसको मैंने एक फिगर बनाया। तो अभी ये जो लाइन हमें नज़र आ रहा है असल में ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है। तो यह ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए बनाता है और ये एंगल ए जो है इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़े द एंगल मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? द एंगल मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इफ ए इज द इंक्लिनेशन, अगर ये एंगल ए हो, स्लोप एम ऑफ द लाइन एल इज गिवन बाय एम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए। एक लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं, और इसी एंगल के साथ जब हम ट्रिग्नोमेट्री वाला टेंजेंट लगाए तो इसी को हम स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं। तो ये टेंजेंट ए इसी लाइन का स्लोप है और ये एंगल ए इसी लाइन का इंक्लिनेशन है। तो एक तो ये बात नोट करना चाहिए। अब यहाँ पे इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट ए बी ऑफ द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे एम का मतलब है स्लोप। स्लोप हम टेंजेंट ऑफ ए से भी जाहिर करते हैं और स्लोप हम डी वाई बाई डी एक्स से भी जाहिर करते हैं। ये हमारे पास एक कर्व है और यहाँ पे पॉइंट ए बी है। तो अगर एक लाइन किसी कर्व के एक नुक्ते से गुजर रहा हो तो ऐसे लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट ए से ये लाइन गुजर रहा है तो ऐसे लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या रिमेंबर करना चाहिए? हेयर वी शुड रिमेंबर व्हाट डज इंक्लिनेशन स्टैंड फॉर और व्हाट इज स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है, इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, तो इसको हमें याद रखना होगा। टेंजेंट ए का मतलब है स्लोप और इसके अलावा डी ओ बाई डी एक्स एट द पॉइंट ए बी, ये भी हमें स्लोप देता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे वही अल्फाज यहाँ पे दोबारा मौजूद है और एम इज इक्वल टू डी ओ बाई डी एक्स, ये दूसरी स्लाइड में भी था। ये ग्राफ मैंने खींचा है, अभी इसको देखिए, ये एक खर सॉरी ये खर हमने खींचा है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगर आप टेक्स्ट बुक को पढ़े तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस तरह हम खर खींचते हैं, सीकेंड लाइन खींचते हैं। यहाँ पे पॉइंट एक्स पी एक्स वाई है, यहाँ पे पॉइंट क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई है। इस तरह अगर यहाँ पे क्यू नीचे आ रहा हो पी तक तो डेल्टा एक्स ज़ीरो होती है और डेल्टा वाई भी ज़ीरो होती है। यहाँ जो सीकेंड लाइन है यहाँ पे ये एक एंगल बनाता है, जबकि वो कर्व पे आ रहा हो तो ये सीकेंड लाइन इससे टेंजेंट लाइन बनता है, और फिर यहाँ जो एक एंगल होता है वो एंगल यहाँ पे भी हम लगाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें नज़र आता है, ये ट्रायंगल का बेस है डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है। तो अगर डेल्टा वाई को हम डेल्टा एक्स पे डिवाइड करें तो ये हमें देता है टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, दिस इज़ द एंगल मेड बाई सीकेंड लाइन। अब अगर दोनों तरफ हम लिमिट लगाए तो अब डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स ज़ीरो होता है डेल्टा वाई भी ज़ीरो होता है, तो ये एंगल पेल ये लाइन कन्वर्ट होगा टेंजेंट लाइन में, और यहाँ जो एंगल होता है वो एंगल यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर इसी को हम पाई कहें तो इसी को हम थीटा भी कह सकते हैं या ए भी कह सकते हैं।
तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे हम लिखा टेंजेंट ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स एंड फाइनली वी विल रीच टू दिस रिजल्ट। तो ये मैंने जुबानी जल्दी जल्दी किया, लेकिन ये जो रिजल्ट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव से हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो ये बात नोट करना चाहिए कि इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब क्या है, और ये भी स्लोप है, तो इन सब बातों को हमें याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर एंगल हमारे पास 90 से कम हो, इफ़ एंगल ए इज़ लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, अगर एंगल ए 90 से कम हो, 0 से बड़ा हो, तो डी वाई बाई डी एक्स या एम एम का मतलब है टेंजेंट ऑफ ए, दिस एम मीन्स टेंजेंट ऑफ ए, तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगी। यहाँ पे हमें मालूम है कि टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसी एंगल के लिए। अगर एंगल ऐसा हो कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो टेंजेंट ऑफ ए ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू देती है। इसी तरह अगर एंगल 180 से बड़ा हो, इसी क्वाड्रेंट में एंगल 180 से बड़ा होता है 270 से छोटा, तो यहाँ टेंजेंट ए विल बी पॉजिटिव। और यहाँ पे 180 एंगल ए 180 से बड़ा है और 360 से छोटा, तो टेंजेंट थीटा दैट इज़ एम विल बी नेगेटिव। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो तलबा फर्स्ट ईयर में पहले उनको मालूम ये क्लियर है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे लाइन लाइन इनफेक्ट लाइंस आर आइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर कांस्टेंट। ये जो एक दो स्लाइड हम से आगे हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन कि जो फंक्शन कांस्टेंट होता है उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो फंक्शन है वो ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। तो अब इसको हम कुछ पढ़ेंगे। इनफैक्ट लाइंस आर आइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पढ़ा उसमें X1 छोटा वाज स्मॉलर देन X2 बट वैल्यू ऑफ वाई सेम था, वो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ था और उसके लिए मिसाल था। तो लाइंस आर आइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर कांस्टेंट, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस बी। हमारे पास स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशन होता है वो फर्स्ट डिग्री एन एक्स वाई होता है, इसके मुख्तलिफ फार्म होते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जो फार्म है स्लोप इंटरसेप्ट फार्म है, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये एम स्लोप है और ये बी वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये जो कर्व है या लाइन है, जब ये वाई एक्सिस से गुजरता है तो उसी पॉइंट का जो वाई वैल्यू है इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो ये बी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव भी होता है। तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। इनफैक्ट लाइन्स आर आइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर कांस्टेंट, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, दस स्लोप एम टेल अस इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर कांस्टेंट। यहाँ पे एम इससे आगे जो प्रीवियस स्लाइड था उस पर हमने एम इज इक्वल टू टेंजेंट ए या एम इज इक्वल टू डी वे बाई डी एक्स हमने कुछ वाजे किया। तो एक लाइन के बारे में हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग या कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर एम या स्लोप नेगेटिव हो तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा या वो लाइन डिक्रीजिंग होगा, और अगर एम 0 हो तो वो फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगा, और अगर एम पॉजिटिव हो तो वो फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे अगर इसी कर्व को हम देखें, ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है, तो यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो ये कर्व हाइट गेन कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल है। इसी लाइन के लिए स्लोप विल बी पॉजिटिव, स्लोप विल बी, अगर हम यहाँ पे एक्स इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ वाई भी इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, एक लाइन है, और इसी लाइन के लिए एम पॉजिटिव होगा। तो ये बात नोट करें कि जब कभी एम इज पॉजिटिव देन द कर्व विल रिप्रेजेंट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर एम लेस देन 0 हो, दैट इज इफ एम इज नेगेटिव,
तो वो फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और उसका जो ग्राफ होगा वो हाइट लूज करता है। अब इसको देखें, दिस कर्व गोज अप, दिस कर्व गोज डाउन, यहाँ पे दिस कर्व गोज डाउन, और एम इज इक्वल टू जीरो का मतलब है टेंजेंट कैपिटल ए इज इक्वल टू जीरो, टेंजेंट कैपिटल ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ए इज इक्वल टू जीरो। तो जब कभी एंगल ए जीरो होता है तो उसका जो कर्व होता है वो एक्सिस के पैरेलल होता है। तो अब हमारे पास ये तीन कंडीशन हमें याद रखना चाहिए कि अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग होगा, अगर एम इज इक्वल टू जीरो हो, स्लोप जीरो हो, तो वो फंक्शन हॉरिजॉन्टल होगा और वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा। थैंक यू।